गुड इवनिंग एवरीवन, इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? वॉल्यूम आ रही थी, क्लियर है? मेरे पास मेरी वॉल्यूम आ गई, इसके मतलब ठीक है। ऑडियो वीडियो इज क्लियर। चलो, सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट बीएमसी, मिसलेनियस मटेरियल कर रहे थे। आज हमारी लास्ट क्लास है बीएमसी की। टुडे आई विल वाइंड ऑफ विद द बीएमसी, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द न्यू टॉपिक। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज बीएमसी हम फिनिश कर देंगे। तो आपके तीन सब्जेक्ट हो जाएंगे, थ्री सब्जेक्ट्स पीवाईक्यू विल बी कंप्लीटेड। इसके बाद हम नया टॉपिक उठा लेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करेंगे इसके बाद। सो फ्रॉम टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशन कॉस्टिंग। चले आगे बढ़े। लैग आ रहा है क्या बीच में कोई? इज देयर एनी लैग इन बिटवीन? चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उन सबको कंपाइल करके इस बार कोड में डाल दिया। यू कैन स्कैन दिस बार कोड एंड यू कैन अटेंड माई क्लासेस। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक करा रखे हैं मैंने इसके अंदर। देन फॉर गेट एंड ईएससी सिविल यू कैन अवेल अप टू 53% ऑफ द डिस्काउंट। आज लास्ट दिन है इसके अंदर। यू कैन गेट अप टू 6 मंथ ऑफ द सब्सक्रिप्शन फ्री ओवर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर। देन नो कॉस्ट ईएमआई भी रोल आउट कर दी गई है। तो नो कॉस्ट ईएमआई ये रोल आउट कर दी है, तो एक और फीचर आ गया है सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। आइकॉनिक के जो भी बेनिफिट्स हैं प्लस के ऊपर वो आप अवेल कर सकते हो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर। देन 4 अगस्त को नया बैच लॉन्च हो रहा है मेरा गेट ईएससी के लिए। दो टॉपिक स्टार्ट होंगे, एक पार्ट सीपीएम एक आरसीसी। आई विल बी स्टार्टिंग विद द आरसीसी। नेक्स्ट एसएससी जेई के लिए यू कैन सेव अप टू 58%। आज लास्ट डेट है इसका, टुडे इज द लास्ट डेट। यू कैन अवेल अप टू 6 मंथ ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन एसएससी जेई एंड स्टेट ए सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट 28 जुलाई को नया बैच लॉन्च हो गया था हमारा एक्सक्लूसिव फॉर एस एस सी जेई जो नवंबर में होने वाली है। इसमें मैंने बी एम सी स्टार्ट करी है। हेयर आई हैव स्टार्टेड दी बी एम सी। नेक्स्ट आपका अल्टीमेट कॉम्बैट एस एस सी जेई का होने वाला है, 7 अगस्त को होगा। स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। इट कैन बी यूज टू अवेल दी सब्सक्रिप्शन। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट थे, दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब स्टार्ट, तबीयत खराब हो रही है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पॉइंट को। चलिए देखिए क्या पूछा हुआ। Which of the following may be termed as unstratified rock? Unstratified rock, यानी जिसमें क्या नहीं हो, stratification नहीं हो। Stratification नहीं हो मतलब layers नहीं हो। तो जो layered rock होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Stratified rocks बोलते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें plane of weaknesses होती है। इनका जो failure होता है उन्हीं planes के along होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? Stratified rocks बोल देते हैं। Stratified rocks कौन कौन से? पेन आपको ये वाली पसंद आती है। Stratified rocks हमारे sandstone है, limestone है और स्लेट है। ये सारे के सारे सर्टिफाइड रॉक्स हैं। मार्बल कैसी होती है? वॉल्यूम कम लग रही है, बढ़ जाएगी। मार्बल कैसी है? अनसर्टिफाइड रॉक है। तो सैंडस्टोन लाइमस्टोन स्लेट आर सर्टिफाइड, मार्बल इज अनसर्टिफाइड रॉक। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक तीसरे तरह का भी रॉक होता है हमारा फॉलिएटेड रॉक। एक तीसरे तरह का रॉक भी होता है हमारा जिस ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? फॉलिएटेड रॉक। इसका मतलब क्या होता है? What is being termed as faulted rock? इनमें tendency होती है split होने की along a definite direction. इस तरह के rock को हम faulted rock बोल देते हैं। Generally जो metamorphic rock होते हैं वो faulted rock होते हैं। Metamorphic rocks are faulted rocks. अभी के लिए जिसने क्या पूछा है भाई? अभी के लिए तो पूछा है unstratified rock कौन से होते हैं? सर irrigation का marathon करा दीजिए। भाई देखो तो सही, marathon की class चल रही है irrigation की। चेक करो, मैराथन की क्लास चल रही है इरिगेशन की, बिना चेक के बोलते हो। आज ही अपलोड करी है क्लास, देखो।
तो आपका इरिगेशन का मैराथन भी चल रहा है। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सीटू यूजिंग, सो हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन द सीटू, मतलब साइड पे टेस्टिंग कर रही है। स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट कहाँ से आ गया? स्मिथ टेस्ट से हार्डनेस थोड़ी ना मेजर हो जाएगी। स्मिथ टेस्ट से तो क्या होता है, स्मिथ टेस्ट तो हम परफॉर्म करते हैं क्या निकालने के लिए, ये हम निकालते हैं सॉल्यूबल मैटर के लिए। सो फॉर सॉल्यूबल मैटर शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये कॉन्क्रीट में स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं। एसिड टेस्ट नहीं यूज होगा। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, ये वेयर एंड टेयर पता करने के लिए हम करते हैं। सो ड्यूरेबिलिटी और वेयर एंड टेयर, ये तो हमारे ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट है। दिस इज द टेस्ट फॉर ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं रॉक के ऊपर भी क्या निकालने के लिए, उसकी हार्डनेस को निकालने के लिए। तो शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट, हार्डनेस ऑफ द रॉक। तो इनडायरेक्टली वैसे तो हम स्ट्रेंथ पता करने के लिए करते हैं, यहाँ पर आप हार्डनेस पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। बी, हाँ, शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट बी सही बात है, एब्सोल्यूटली। ये क्लास खत्म होते ही आपकी इरिगेशन की चालू हो जाएगी। लिंक शेयर कर दूंगा अगर नहीं मिल रहा आपको तो। आई शेयर द लिंक, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट, लिंक शेयर कर दूंगा मैं। आगे बढ़ो। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पेयर इज, पेयर बनाना है यानी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ग्रेनाइट, मार्बल, ग्रेनाइट विल बी यूज्ड, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इसकी। तो पेयर बनानी है इसका मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, तो ग्रेनाइट को यूज करेंगे। विल बी यूजिंग द ग्रेनाइट, देख के पता चल गया है तो हमारा, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इट कैन बी रेफर्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दी सब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा जरा बताना, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी क्लासिफिकेशन होती है हमारी? सेडिमेंट्री रॉक हमारी क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हमारी है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर ये बोल रहा है सेडिमेंट्री रॉक की सब क्लासिफिकेशन बताओ। वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, ये तो किसके हैं? ये तो इग्नियस रॉक के हैं। दिस इज फॉर इग्नियस रॉक, ये तो इग्नियस की सब क्लासिफिकेशन होती है। मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, ये हमारी सब क्लासिफिकेशन है। दिस इज फॉर सेडिमेंट्री रॉक, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक की सब क्लासिफिकेशन होती है। देन इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ये सेम चीज है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव तो सेम वो वॉल्केनिक और प्लूटोनिक ही तो है, कोई डिफरेंट चीज थोड़ी है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड, ये कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है, इट इज नॉट द सब क्लासिफिकेशन की स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड मिल जाए आपको इसके अंदर। तो इसका मतलब मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, ये हमारी सब क्लासिफिकेशन है किसकी? इट इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक। लीनिंग, लीनिंग, लर्निंग इज क्या लिख रहे हो भाई? सही बात है। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग से बनता है, ये केमिकल वेदरिंग से बनता है, और ये ऑर्गेनिक डिपोजिशन से बनता है। सो दिस इज मेड फ्रॉम मैकेनिकल वेदरिंग, दिस इज मेड फॉर केमिकल वेदरिंग, दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक डिपोजिशन, इसलिए इसको ऑर्गेनिक रॉक बोलते हैं, देयर बाय टर्म्ड एज ऑर्गेनिक रॉक। चले आगे।
आगे बढ़े। सही है वॉइस, वॉइस सही आ रही है। एक बार अपने वॉल्यूम को चेक कर लो, अपने सिस्टम के वॉल्यूम को चेक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन स्टोन मेसनरी दी स्टोन्स आर प्लेस इन दी पोजिशन सच दैट दी नेचुरल बेडिंग प्लेन। स्टोन मेसनरी में स्टोन कैसे रखोगे, नेचुरल बेडिंग प्लेन परपेंडिकुलर हो लोडिंग के। ये सिंपल सिंपल से सवाल है, सिंपल सिंपल से सवाल है। तो बोल रहा है कि स्टोन मेसनरी है, स्टोन को कैसे प्लेस करोगे। इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो एप्लीकेशन हो रही है लोड की वो बेडिंग प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सो दैट दी एप्लीकेशन इज टेकिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। समझने के लिए एग्जाम्पल ले लो, लेट सपोज ये हमारे स्टोन्स है, दिस इज हाउ द स्टोन्स आर प्लेस्ड। फ्री हैंड से बनाइए, पर ऐसा ही मिलेगा आपको, बेडिंग प्लेन इसी तरह का आता है। ये बीच में आपने इसमें बाइंडिंग मटेरियल भरा हुआ है, सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, जिप्सम हो सकती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जो लोड लगा रहे हो वो बेडिंग प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। सो आंसर वुड बी व्हाट, आंसर क्या होगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर दे कैरी। सो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर दे कैरी, सो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर विच दे आर कैरिंग। क्लियर है सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन यूज ऑफ द स्टोन्स एज बिल्डिंग मटेरियल। स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेबल है ये। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज्ड, बिल्कुल सही बात है भैया, स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते इसकी। स्टोन्स आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन द प्लेन्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन द यूज ऑफ द स्टोन्स। देखो अगर मेन रीजन की बात करोगे वो यही है कि भैया स्ट्रेंथ पता ही नहीं कर सकते इसकी। अगर स्ट्रेंथ पता नहीं कर सकते तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कितने स्टोन लगाने हैं, कितनी थिकनेस के लगाने हैं आपको। जबकि ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे ज्यादा ड्यूरेबल है, दे आर मोर ड्यूरेबल। सारे ऑप्शन कहाँ से सही हो गए भैया, आरसीसी से ज्यादा ड्यूरेबल होता है। पत्थर की चीजें कब से बनी हुई है मतलब अभी भी ये बताना पड़ता है। आपके आरसीसी के स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, पत्थर के किले बने हुए हैं इतने सालों से, इतने हजारों सालों से, वो ज्यादा ड्यूरेबल है, दे आर मोर ड्यूरेबल। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे ज्यादा ड्यूरेबल निकल के आ जाएंगे, पर स्ट्रेंथ एनालाइज नहीं कर पाते इसकी हम, वी आर नॉट एबल टू एनालाइज दी स्ट्रेंथ। बी पॉइंट बता दो, बी पॉइंट ही तो बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ निकालने का तरीका ही नहीं है कोई इसका भैया। स्टोन की स्ट्रेंथ निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। आपको लोड अप्लाई करना है, लोड अप्लाई करोगे ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाओगे तो यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर मेरा जो आरसीसी में यूज करते हो तरीका सेम बैच से उठाते हो, यहाँ बैच का तो कोई रोल ही नहीं है भैया। स्टोन तो रॉक से बना हुआ है, हर पॉइंट पे आपको केमिकल कॉम्पोजिशन अलग मिलेगी, हर पॉइंट पे आपको वेदरिंग अलग मिलेगी। तो हर रॉक की वजह से जो स्टोन बना, हर स्टोन की मैं स्ट्रेंथ निकालते जाऊंगा वो तो तोड़ दोगे आप, तोड़ दोगे तो यूज कैसे करोगे, यूज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, या कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, देयर इज नो मेथड अवेलेबल। फिर बोल रहा है स्टोन्स आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन द प्लेन्स, प्लेन्स में अवेलेबल नहीं होते हैं स्टोन्स, इसलिए यूज नहीं करते हैं। भैया आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है हमारी, ये थोड़ी कि जहां पर हमारे को स्टोन मिलते हैं वहीं पे यूज करते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो आज के टाइम पे डिक्रीज क्यों होगी इसकी यूज, क्या आपको स्ट्रेंथ ही नहीं पता इसकी, वी डोंट नो द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड। अच्छा
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड, कौन से फैक्टर के ऊपर क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती? टेक्सचर, फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसनेस बता देगी बहुत टेक्सचर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वर्केबिलिटी, तो स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर, वर्केबिलिटी के ऊपर, बाकी सब पे डिपेंड कर जाएगी, तो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द वर्केबिलिटी। चले चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इन स्टोन मेसनरी स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर टू द प्लेन ऑफ द बेडिंग इज, ये क्या है, इन स्टोन मेसनरी स्टोन्स, ये तो पीछे वाला ही आ गया, बेडिंग प्लेन से कैसे रखते हो, राइट एंगल पे रखते हो, तो इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल, रिपीट नहीं हुआ, पूछने का तरीका चेंज कर दिया, द मेथड ऑफ आस्किंग इज चेंज, पीछे ऑप्शंस भी तो अलग थे, ऑप्शंस वर डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मोस हार्डनेस नंबर, अच्छा मोस स्केल, व्हाट इज द मोस हार्डनेस नंबर ऑफ टोपेज, अच्छा स्केल आ गई हार्डनेस की, टोपेज कौन से नंबर पे आता है, टोपेज हार्डनेस तो ज्यादा ही है, 10 तक होती है, 12 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ये कहां से आ गया 12, 10 हमारे डायमंड का है तो 8 हो गया, इट इज 8, 2 में तो हार्डनेस कम होगी, टोपेज की हार्डनेस ज्यादा होती है बहुत, 12 होता नहीं है, 10 हमारे डायमंड का है तो 8 बचा, सो इट इज 8। क्लियर, what must be the height of the cylinder sample for the split tensile strength test of the stone if the diameter is 50 mm, length to dia ratio split tensile strength test mein kitna hota hai, length to dia ratio in split tensile strength test is kept to be 2, to lambai 2 guna hoti hai diameter ka, to lambai 2 guna hoti hai diameter ka, kitni aa gayi 100 mm, ye rcc ke liye bhi valid hai, stone or आरसीसी उसके लिए भी वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ, वहां भी काम कर जाएगी। चले शैल वी कंटिन्यू, द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ रबल स्टोन मेसनरी विल बी, क्यूब टेस्ट में स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों आती है, किससे ज्यादा क्यों आती है, किसके कंपैरिजन में पूछ रहे हो, क्यूब स्ट्रेंथ में, क्यूब टेस्ट में तो स्ट्रेंथ कम भी आती है, तो भाई मेरे को तो सवाल भी नहीं, आधा बोल रहे हो, ऑप्शन तो बता ही नहीं रहे, वो तो अलग बात हो गई। The approximate volume of the stone required for 100 meter cube of the rubble stone masonry will be, the approximate volume of the stone required for 100 meter cube of the rubble stone masonry, standard result hai, 1 meter cube ke liye 1.25 chahiye hota hai, so 1 meter cube of rubble stone masonry stone required will be 1.25 meter cube, 1.25 25% badh jata hai, 25% is increase, तो 100 मीटर क्यूब के लिए 25% बढ़ा दो, 25% आ गया, 125 डायरेक्टली सवाल में नोट्स में मिल जाएगा मेरे आपके, चेक योर नोट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको डायरेक्टली
ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, डायरेक्टली यू विल गेट दी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट बढ़िया आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। अच्छा, करेक्ट मैचिंग कौन सी है? पहला है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक सैंड स्टोन। नहीं भैया, इग्नियस रॉक सैंड स्टोन नहीं है, करेक्ट मैचिंग नहीं है ये। सैंड स्टोन तो कौन सी रॉक है, पीछे बताई थी अभी। सैंडस्टोन तो कौन सी रॉक है? सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। आर्जिलेशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक यानी केमिकल के बिहाफ पे है ये हमारी, आर्जिलेशियस रॉक, ये भी गलत है भैया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आर्जिलेशियस रॉक ये तो स्लेट है हमारा, स्लेट क्ले। लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक, ये बात सही है। मेटामॉर्फिक रॉक बेसाल्ट, मेटामॉर्फिक रॉक बेसाल्ट नहीं है भैया, बेसाल्ट कहाँ से आ गया, इग्नियस रॉक है बेसाल्ट तो आंसर इज सी, बेसाल्ट इज इग्नियस रॉक, सो आंसर कम्स आउट टू बी सी। तो रॉक करके जाना सारा डिटेल में, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द रॉक, सवाल पूछेगा इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। अच्छा भैया, एस्लोम एल्यूमिना सिलिका, तो एल्यूमिना सिलिका कितनी प्रोपोर्शन होती है एल्यूमिना और सिलिका की? इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिना, एल्यूमिना 20-30%, सिलिका 50-60% होती है, तो नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एल्यूमिना। नहीं है भैया इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना सिलिका लाइम, नहीं भैया गलत है ये। 35-70% सिलिका, 35-70% सिलिका, 35-70, 10-20% एल्यूमिना, 10-20% सिलिका, ये भी गलत हो गया, सो आंसर इज सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कम्स आउट टू बी सी। चलो आगे बढ़ते हैं, सो वील कंटिन्यू। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक is made on the basis of strength based classification. अच्छा, IS 3101 ये तो ब्रिक का कोड ही नहीं है। IS 3495 ये तो टेस्टिंग का है, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, सो दिस इज फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, ये तो ब्रिक का ही कोड नहीं है। देन IS 3496 ये भी ब्रिक का ही कोड नहीं, IS 3102 IS कोड याद नहीं रहते इस टाइप का, तो याद करने की कोशिश करोगे तभी याद रहेंगे, याद करने। अभी देखो जब चल रहा है हमारा, लेट सपोज सीमेंट चल रहा है हमारा, तो उसमें लास्ट में कोड मेंशन करा दूंगा आपको सारे, आई मेंशन ऑल दी कोड्स, वो तो थ्योरी के टाइम पे सारी चीजें आती ना, ये वो तो थ्योरी के टाइम पे आती है सारी चीजें ये। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तभी ये सारे कोड उठाने होते हैं, देन ओनली यू हैव टू रेफर ऑल दी कोड्स। चलिए सर आगे बढ़िए, लो बढ़ गया आगे भाई। हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ, इंसुलेटर का काम करती है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर।
इट एक्ट एज एन इंसुलेटर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. बात तो सही है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी. प्रोवाइडिंग इंसुलेटिंग अगेंस्ट हीट, ये बात भी सही है. इंक्रीजिंग द बेयरिंग एरिया, नहीं. ऑर्नामेंटल लुक, नहीं. पहली दोनों बातें सही हैं, आई विल गो विद बी. ए भी सही है, बी भी सही है. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी. इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. चलिए आगे. चलो नेक्स्ट. द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू, अच्छा, डिफेक्ट इन ब्रिक. द शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, द डिफेक्टिव जोन इज. ये शायद मैंने अभी कराया, बीएमसी कहाँ कराई थी मैंने, बीएमसी, अच्छा, प्लस पे कराई थी सिविल में. अभी हुई है मेरे ख्याल से, एक महीना भी नहीं हुआ उसको. दिस इफेक्ट इज टेक्निकली टर्म्ड एज चक्स. तो अगर रेन वाटर फॉल कर जाए हमारी हॉट ब्रिक के ऊपर, वहां पे जो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है उसको हम चक्स बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज चक्स. तो उस डिफेक्ट को चक्स बोला जाता है. ब्लोटिंग क्या होती है हमारी, इट इज बीइंग टर्म्ड एज ब्लोटिंग. स्पॉन्जी मटीरियल आ जाए हमारा ब्रिक के ऊपर, तो बर्न ब्रिक के ऊपर स्पॉन्जी मटीरियल आ जाए, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लोटिंग बोल देते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ब्लोटिंग, उसको ब्लोटिंग बोला जाता है. तो अगर कार्बोनेशियस मटीरियल ज्यादा हो तो ब्रिक की बर्निंग के टाइम पे स्पॉन्जी मटीरियल आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज ब्लोटिंग. क्लियर है? इसकी पिक्चर भी दिखा रखी है मैंने आपको, ये पता होता है ये सवाल है, इसके अंदर मैं आपको पिक्चर भी दिखा था. आई वुड हैव शोन यू द पिक्चर ऑल्सो. अभी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता पिक्चर अपलोड करने का, तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा था. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नेक्स्ट है नोड्यूल्स. नोड्यूल्स क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं पार्टिकल्स. नोड्यूल इज टर्म्ड एज पार्टिकल. अब ये कौन से डिफेक्ट से रिलेटेड है, अगर हमारा पानी ब्रिक के कॉन्टेक्ट में आ जाए जिसमें एक्सेस ऑफ लाइम है, अगर हमारा पानी ब्रिक के कॉन्टेक्ट में आ जाए जिसमें एक्सेस ऑफ लाइम है, इट अंडरगोज वॉट, इट अंडरगोज कैल्सिनेशन, वॉल्यूम बढ़ जाती है, इट लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक, तो उसको नोड्यूल्स बोला जाता है. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज नोड्यूल. इसको हम टेक्निकली नोड्यूल बोलते हैं. नोड्यूल का मतलब होता है पार्टिकल. अभी कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डिफेक्ट हमारी डिसइंटीग्रेशन है, पर आपको रिलेट करके बताया कि नोड्यूल किसको बोल रहा है यहाँ पे. अगला डिफेक्ट है हमारा लेमिनेशन. लेमिनेशन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द इंट्रैप्ड एयर. तो अगर इंट्रैप्ड एयर आ जाए वॉइड्स के अंदर, इट लीड्स टू द लेमिनेशन. इसको टेक्निकली लेमिनेशन बोल देते हैं. क्लियर है? Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या पूछा इसमें. एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना की बात कर रहा है. सो एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना. अच्छा एल्यूमिना क्या करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का फंक्शन क्या होता है,
प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है, इट इम्पार्ट्स दी प्लास्टिसिटी, पर एक्सेस में हुई इट विल मेक द ब्रिक टू हार्ड व्हेन बर्नड, और जब ड्राई करोगे तो उसकी वार्पिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, लीव्स हाई पावर डिपॉजिट, क्ले इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी। ये रहा बी ऑप्शन। देखो वैसे तो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है तो रिक्वायर्ड शेप और साइज मिल जाती है, बट इट मेक्स द ब्रिक टू हार्ड व्हेन बर्नड एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के टाइम पे वार्पिंग हो जाती है इसकी, ड्यूरिंग ड्राइंग इट लीड्स टू द वार्पिंग। सही बात है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर, विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट। आगे नेक्स्ट पे आ गया। तो बोलता है द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट द हाफ विड्थ हाफ लेंथ, क्या बोलते हैं इस ब्रिक को, दिस ब्रिक इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज, देखो कट किसके लॉन्ग लगाया, लेंथ के लॉन्ग कट लगी। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक बाय कटिंग द ब्रिक अलोंग द लेंथ, पहली बात तो उसे क्या बोल देंगे, क्लोजर बोल देंगे, तो क्लोजर बोल देंगे। अगर ये कट मेरा स्ट्रेट होता मैं इसे क्वीन क्लोजर बोल देता। प्रेजेंटली क्या है हमारा, प्रेजेंटली क्या है हमारा, ये किंग क्लोजर है। ये कितनी ब्रिक के इक्विवेलेंट होती है किंग क्लोजर, दिस किंग क्लोजर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऑफ द ब्रिक, ये जो किंग क्लोजर है ये इक्विवेलेंट है कितनी ब्रिक के, इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऑफ द ब्रिक, सेवन एट्थ पोर्शन। बिल्कुल सही बात है ऋषभ कुमार, एब्सोल्यूटली करेक्ट, सेवन एट्थ पोर्शन ऑफ द ब्रिक। ये वन बाय फोर कौन है, क्वीन क्लोजर ऑल्सो ड्रॉ, क्वीन क्लोजर भी ड्रॉ करके देना है, लो क्वीन क्लोजर ऑल्सो ड्रॉ, दिस इज क्वीन क्लोजर। तो इसको क्वीन क्लोजर बोला जाता है, दिस इज टर्म्ड एज क्वीन क्लोजर। विदाउट ट्राइंगुलर कॉर्नर बोला है तो ट्राइंगुलर कॉर्नर नहीं है ना भाई, कहाँ है इसका ट्राइंगुलर कॉर्नर, ये लो ट्राइंगुलर कॉर्नर बना दिया, तो किंग क्लोजर में ट्राइंगुलर कॉर्नर कहाँ होती है बाबा। ये पूरी ब्रिक है, इसमें से ट्राइंगुलर कॉर्नर हटा दिया आपने तो किंग क्लोजर बन गया ना, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ किंग क्लोजर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, सिल्टेड सॉइल, वेदर्ड क्ले सॉइल, नन ऑफ दीज, वेदरिंग। तो एक तो ये ऑपरेशन ही होता है हमारा, एक तो ऑपरेशन ही होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, वेदरिंग करनी पड़ती है हमें क्ले की, तो आप क्ले कौन से यूज करो, वेदर क्ले यूज करो, टेक द हेल्प ऑफ द वेदर क्ले। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड क्लास ब्रिक should be, minimum compressive strength of the second class brick should be, बता रखा है ये भी, minimum compressive strength कितनी होनी चाहिए। third class brick हो तो हमारी 3.5 हो जाएगी, second class brick की बात कर रहा है तो 7, तो 70 kg per centimeter square, so it is 70 kg per centimeter square, second class brick, 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस ऑप्शन के हिसाब से 7, सॉरी 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 ज्यादा पेज आगे हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सूटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मेसनरी, अच्छा हाई क्लास ब्रिक मेसनरी, बुलनोज ब्रिक, बुलनोज ब्रिक कॉर्नर में यूज करते हैं,
जैसे यूज इन कॉर्नर, इसका जो नोज होता है यानी जो कॉर्नर होता है वो कर्व्ड होता है, तो कॉर्नर में आपको आर्किटेक्चर अपियरेंस देनी हो तो बुल नोज बोल देते हैं इसे। देन जंप ब्रिक, जंप ब्रिक हमारी ओवरबर्न्ड होती है, कहाँ से हाई क्लास में यूज करोगे, ये ओवरबर्न्ड ब्रिक्स होती हैं। देन अंडरबर्न्ड ब्रिक्स, तो लिखा ही हुआ अंडरबर्न्ड ब्रिक्स है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, सॉफ्ट होती हैं, दीज आर सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट होती हैं। मॉड्यूलर ब्रिक, इसको आप यूज कर सकते हो, इट कैन बी यूज, तो मॉड्यूलर ब्रिक को यूज किया जा सकता है, तो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है मॉड्यूलर ब्रिक, सो स्टैंडर्ड ब्रिक इज मॉड्यूलर ब्रिक। वाटर एब्जॉर्प्शन पे कहाँ से आ गई ब्रिक की डिपेंडेंसी, वाटर एब्जॉर्प्शन अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग प्रॉपर्टी है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चलो देखो आगे नेक्स्ट क्या है, पैराफिट वॉल तो कुछ होती नहीं भाई, ये कौन सी वॉल बना दी, पैराफिट वॉल, पैरापिट वॉल जरूर सुना है मैंने, पैरापिट वॉल क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ, अभी बताया था पीछे, क्या देती है, प्लास्टिसिटी इंपार्ट करती है, इट इंपार्ट द प्लास्टिसिटी, तो पीछे बताया था मैंने एल्यूमिना का, ज्यादा हुआ तो दिक्कत है, ज्यादा हुआ तो इशू है, पैरापिट वॉल रेलिंग का काम करती है, आपके छत पे, आपके छत पे जो वॉल बनी हुई है छोटी सी वॉल, उसको पैरापिट वॉल बोला जाता है, तुम्हारे छत पे जो छोटी सी वॉल बनाई जाती है उसको पैरापिट वॉल बोला जाता है, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज पैरापिट वॉल। पर्पस क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, क्लियर है, फन गायब हो गया सर, हार गया होगा, और थक गया होगा बेचारा, हार क्या गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द ब्रिक्स, कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, बीएमसी की क्लास कब से लगेगी, देखो अपनी ऐप के ऊपर सारा शेड्यूल लगा हुआ है, भाई अपनी ऐप चेक करो ना, सारा शेड्यूल मेंशन है उसके ऊपर, बुल्लोस तो ब्रिक होती है बाबा, बुल्लोस तो ब्रिक होती है, पैरापिट वॉल होती है, बुल्लोज इज अ ब्रिक, पैरापिट इज अ वॉल, दो अलग अलग चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ऑब्वियसली बात है, आयरन ऑक्साइड क्या देगा ब्रिक के अंदर, कलर देगा, आयरन ऑक्साइड विल गिव द ब्रिक कलर टू द ब्रिक, क्लियर है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कलर देना। वॉट इफ आयरन ऑक्साइड इज नॉट प्रोवाइडेड इन द ब्रिक, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी ब्रिक के अंदर, लाइम और सिलिका को फ्यूज यही कराता है, आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका विद ईच अदर, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है, यही काम आयरन ऑक्साइड का सीमेंट के अंदर भी था, तो अगर लाइम और सिलिका फ्यूज ही नहीं करेंगे आपको स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी, तो डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करता, पर इनडायरेक्टली क्या करता है, इनडायरेक्टली क्या करता है, ये इनडायरेक्टली हमें स्ट्रेंथ इम्पार्ट करवाता है, चले आगे, चलो एज पर IS 2185 पार्ट 1 2005, व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज्ड कैविटी लोड मेसनरी यूनिट्स, अच्छा एज पर IS, अच्छा लोड बेयरिंग मेसनरी यूनिट्स की मिनिमम स्ट्रेंथ बता रहा है,
सो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोड बेयरिंग मेसनरी यूनिट कितनी निकल के आती है? डोंट नो, इसका मैं आपको एक वो भी दे सकता हूँ, क्या कहते हैं, जब मेसनरी पढ़ाऊंगा मैं आपको एंड आई डिस्कस अबाउट मेसनरी, इसमें मैं आपको एक एक्सप्रेशन भी दूंगा कोड के हिसाब से। आई गिव यू वन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या रिलेशनशिप बता दूंगा, आई डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू, तो वहाँ से जानकारी भी मिल जाएगी आपको। अभी के लिए तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, कोड लिखा हुआ है, कोड से उठा के डायरेक्टली बतानी है, सो डायरेक्टली द वैल्यू इज टू बी मैंशनड। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1.5, 3.5, सो 1. सर ये नाम तो पहली बार सुना है, ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेयरिंग मेसनरी यूनिट, क्यों मेसनरी यूनिट नहीं करा रखे क्या? मेसनरी यूनिट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं करा रखे क्या मैंने आपको? बेटा नोट्स तो खोल के देखा करो, ओपन एंड क्लोज एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। ओपन एंड क्लोज लोड बेयरिंग मेसनरी यूनिट, तो ओपन एंड क्लोज लोड बेयरिंग मेसनरी यूनिट अब 3D में होता है, 3D में ऑब्वियसली शो तो नहीं कर पाऊंगा बट कोशिश जरूर कर सकता हूं मैं इन 3D। आई ट्राई कि आपको बना के दिखा दूं। लेट सपोज ये हमारी यूनिट है, देखो दिस टाइप ऑफ यूनिट इज टर्म्ड एज व्हाट, इस तरह के यूनिट को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ यूनिट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, दिस टाइप ऑफ यूनिट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेयरिंग मेसनरी यूनिट। और मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल तो बीच में गैप है, आपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखे होंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे, देयर आर सेवरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसमें आपको डायरेक्टली यही स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें आपको डायरेक्टली यही स्ट्रक्चर मिलेगा, you will find this type of structure only। अब कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है ऐसे, जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, आई आई टी दिल्ली के अंदर, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे, आई आई टी दिल्ली वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। लाइक इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगा आपको, यू विल फाइंड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पर जो ब्रिक्स यूज करोगे कैसी ब्रिक्स होनी चाहिए? इसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं होता, देर इज नो प्लास्टरिंग ऑन दिस ब्रिक्स, अगर कोई प्लास्टरिंग नहीं है इन ब्रिक्स के ऊपर, सो वॉट अबाउट देयर, इफ देर इज नो प्लास्टरिंग ऑन दिस ब्रिक्स, वॉट अबाउट देयर वेयर एंड टेयर क्वालिटी? अगर कोई प्लास्टरिंग नहीं है इसके ऊपर, सो वॉट अबाउट देयर वेयर एंड टेयर क्वालिटी? इनकी वेयर एंड टेयर क्वालिटी क्या होगी? गायब। वेयर एंड टेयर क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, देयर वेयर एंड टेयर क्वालिटी शुड बी कंपैरेटिवली मोर, तो इसका मतलब क्या होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है ये, दीज आर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, क्लियर है चीज?
इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसके हिसाब से डिफाइन की जाती है, ग्रेड के हिसाब से डिफाइन की जाती है। इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ग्रेड के हिसाब से डिफाइन की जाती है। अब अगर मैं ग्रेडिंग बता दूं इनकी, तो ग्रेड वही होगी जो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, 3.5, 4.5, 5.5, 7, 8.5, 10, 12.5, इसको थोड़ा सा खिसकाया 15। अगर ये ग्रेड है इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या हो गई, यही हो गई, दिस इज दी स्ट्रेंथ। इसका मतलब इन मेसनरी यूनिट्स की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगी। 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सर यू स्टडीड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बट व्हाई यू ऑलवेज लव एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैंने कब बोला आई लव एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला भाई, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। और अगर तुम एमटेक को ही क्राइटेरिया मानते हो कि मेरे को ज्यादा प्यार है एनवायरमेंट से, फिर तो मैंने पीएचडी एनवायरमेंट में करी है। मैंने एमटेक स्ट्रक्चर में करी है तो पीएचडी एनवायरमेंट में करी है, अगर तुम्हारा यही क्राइटेरिया है। मतलब गलत में भी गलत बोलना, एक होता है गलत स्टेटमेंट देना, गलत स्टेटमेंट में भी गलत स्टेटमेंट देना। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब क्या करो फन हिलाने, अपना हो गया सारा फन खत्म हो गया पूरा बीएमसी, अब फन फनाता हुआ आया ये, अब क्या करोगे फन फना के। ये देखो आखिरी सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट प्रॉब्लम, Consider the given statement with respect to the BRICS. ठीक है भैया, consider कर लेते हैं, क्या consider करना है। Alumina presence in the break earth impart plasticity to the break earth so that it can be molded for the formation of the bricks. ठीक है भाई, सही बात है, सही statement है ये, आ गई statement. Next, if alumina is in excess, raw bricks expand and swelling during drying. एंड बर्निंग, स्वेलिंग ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग कहाँ से आ गया, ये श्रिंक हो जाती है ना, एक्सपेंड थोड़ी ना होती है, अभी पीछे करके आए हो, श्रिंक होती है ना, एक्सपेंड थोड़ी ना करती है। देखो उल्टा लिखा हुआ है, गलत स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स। कहीं और फंदे रहा था, कहीं और तो इसको ब्लॉक करा देते हैं, रोज हमारे ग्रुप में मैसेज आता है, सबकी सब सब क्लासों में जाता ही है, सारी सारी फैकल्टी लोग इसको ब्लॉक करा देती हैं। ऐसी कोई क्लास नहीं जिसमें नहीं जाता हो ये मुंह मारने, सब जगह मुंह मारने जाता है ये। तो सारी क्लासों में इसको इज्जत मिलती है ब्लॉक करके, एक यही है जो आगे जहां पे आगे बेइज्जती कराता है अपनी, बाकी सब लोग इसको इज्जत देते हैं इसको ब्लॉक करके। चलो योर बीएमसी इज कंप्लीटेड, बीएमसी कंप्लीटेड है, अब कल से हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विद द एस्टिमेशन कॉस्टिंग। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।